हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ फेल्योर्स के बारे में कि क्यों कुछ फेल्योर्स हो जाते हैं या क्यों मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स रीयूनाइट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर हमें रीज़न पता हो तो हमारे लिए बहुत ईजी है यूनियन करना, राइट? इट मे टेक्स अगेन फ्यू मोर पार्ट्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दो तीन पॉइंट्स को इसी वीडियो में कवर कर सकूं, बाकी लेकिन मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों जो मानने वाली बात है कि जो हमारी सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, इसको सोसाइटी प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, वो इस कदर हमारे लाइफ में इतने फर्म हो जाते हैं। सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम्स, हमारे कल्चरल बिलीफ सिस्टम, हमारे अपने फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स और हमारे खुद के अपने बिलीफ सिस्टम्स कुछ इस कदर हमारे डीएनए में आ जाते हैं कि जिनको रिलीज़ करना इतना मुश्किल होता है। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ योर फेलियर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अब आप कहेंगे कि मेरा अपना पर्सनल कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्यों मैं फेल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। डेफिनेटली सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम तो आप जानते ही हैं, मैन वेमेन ये सही नहीं है, वेमेन को एक वेमेन वीक होती है, मैन स्ट्रांग होता है, वेमेन घर संभालती है, आदमी बाहर का संभालता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप सोसाइटी ये कहती है कि औरत को कोडिपेंडेंट होना चाहिए आदमी के लिए। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि हम लोग के घर में ये माना जाता है कि एक औरत है वो घर पे रहती है, बच्चों को देखती है और आदमी फैमिली के लिए कमाने बाहर जाता है, राइट? ये हमारे बिलीफ सिस्टम है। तो इस सिस्टम ने हम लोग को मेंटली बहुत डीएफ्स को वीक बना दिया कि वी आर वीक, हम सिर्फ खाना बनाने के लायक हैं, हम बाहर जा नहीं सकते, हम बाहर के काम, कोई भी पावर वाला वर्क, कोई मैनेजमेंट वर्क, कोई भी ऐसा वर्क है जो वो सिर्फ आदमी करते हैं, हमारा काम है बच्चों को देखना, घर संभालना। तो ये भी सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, ठीक है? और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा हमारे अपने बहुत सारे पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कल्चर बिलीफ सिस्टम होते हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है, और ये ही हमारे इस जर्नी पे आड़े आते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक और जो फेलियर हमारा जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेलियर, वो है हमारी ऑब्सेशन की एनर्जी। ठीक है, आप कितना भी इनर वर्क कर लें, साधना कर लें, कितना मेडिटेशन चक्रा सब कर लें, फिर भी आप वन फाइन डे आके स्टक क्यों हो जाते हो? मैम मैं थक गई। क्यों थक गए? क्योंकि आप अभी भी डीएम के लिए ऑब्सेस्ड हो। अगर आप ऑब्सेस्ड ना होते तो आप ऑटोमेटिकली इस जर्नी को, ट्विन जर्नी को आप स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट करके डिवाइन को सरेंडर करते रहते थ्रू आउट द लाइफ, किस बात की जल्दी है। लेकिन नहीं, हम लोग डीएम पे ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है? तो उसके कारण से क्या होता है, ऑब्सेशन क्यों कहते हैं डीएम के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना, बिकॉज ऑब्सेशन की जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार से लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, और लो वाइब्रेशन में कभी रियूनियन नहीं होता, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आपको पैसा चाहिए, इफ़ यू आर क्रेजी फॉर मनी, मनी मनी करते रहेंगे, मनी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप उस मनी को पाने के लिए ऑब्सेशन की, नीडीनेस की एनर्जी दे रहे हैं, एंड All these energies are low vibration energies. तो आपके पास पैसा कैसे आएगा? ठीक है, पैसे हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमें चाहिए, ज़रूरी है, तो आप मेहनत करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक है? लेकिन उसके लिए अगर ऑब्सेस्ड होएंगे तो वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से डीएम है, आप ऑब्सेस्ड होएंगे तो वो नहीं आएगा, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियसली थ्रोइंग लो वाइब्रेशन। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्टिंग, वॉन्टिंग वाली एनर्जी, वेटिंग वाली एनर्जी, नीडीनेस वाली एनर्जी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी, ऑल दीज आर लो वाइब्रेशन एनर्जीज। तो लो वाइब्रेशन में तो यूनियन होता ही नहीं है, राइट? चलिए अब हम कुछ खास बात करते हैं इस जर्नी की। डीएम और डीएफ जो होते हैं, दे आर वन एनर्जी फील्ड एंड टू हाफ ऑफ सेम सोल, ठीक है? दे आर स्प्लिट सोल, मानते हैं ये बात? एंड ये बात भी सच है कि डीएम लव
लव्स यू सो मच, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपका काउंटर पार्ट है, आपको बहुत प्यार करता है, चाहे आप इस पे बिलीव करो या ना करो. एंड डीएम इज इन पेन बिकॉज ऑफ यू. और सच कहो तो इस जर्नी में डीएम्स को जो पेन होता है ना, आप लोगों को लगता है कि पेन आपको हो रहा है बिकॉज यू आर वॉन्टिंग, यू आर वेटिंग फॉर हिम. तो आपको लग रहा है कि आप पेन में हो, बट वो भी आपसे ज़्यादा पेन में है, यू नो. इसलिए एंड ही इज इन पेन बिकॉज ऑफ यू ओनली. आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो आपके कारण से पेन में कैसे है. सो नो नीड टू कर्स हिम, नो नीड टू कर्स हिम, ही इज मिररिंग यू. एंड वाई ही इज मिररिंग यू, बिकॉज हिज चक्रा सिस्टम पोलराइजिंग दिस वे विद योर चक्रा सिस्टम. ओके, आपसे जुड़े हुए हैं उनके चक्रा सिस्टम, सो वो आपको मिरर कर रहा है. तो जो भी आपके इफेक्ट होंगे वो उनको भी इफेक्ट करेंगे. जैसे आप बिहेव करेंगे वैसा उन पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है. हर जैसा आपका एक्शन होगा वैसे उनका रिएक्शन होगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मिररिंग, ठीक है. हिज चक्रा सिस्टम पोलराइजिंग दिस वे थ्रू योर चक्रा सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सी, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, ठीक है, वो मोस्टली लोअर द थ्री चक्रास हैं उससे ऑपरेट करते हैं, राइट. दे बिलीव इन पावर, दे बिलीव इन मैनेजमेंट, दे बिलीव इन ग्राउंड एनर्जी, दे बिलीव इन कंट्रोलिंग, दे एक्चुअली होल्ड द 3D टाइमलाइन, ठीक है. उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? ईगो अटैचमेंट्स. उनकी प्रायोरिटी होती है फैमिली, और दे ऑलवेज फाइट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है. वो मैनिपुलेशन पे बिलीव करते हैं, वो सेल्फ सेंटर्डनेस पे बिलीव करते हैं, वो कंट्रोलिंग पे बिलीव करते हैं, वो मेंटल बॉडी पे बिलीव करते हैं, बॉडी सिस्टम पे बिलीव करते हैं. ये एक क्वालिटीज होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, ठीक है. क्योंकि वो 3D क्योंकि वो लोग लोअर चक्रास से, फर्स्ट 3 चक्रास से जो लोअर चक्रास हैं उनसे ऑपरेट कर रहे हैं. सो ये अनकॉन्शियसली ही डिवाइन मैस्कुलिन इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, राइट. और डिवाइन फेमिनिन कैसे ऑपरेट करती है? दे एक्चुअली ऑपरेट विद अपर 3 चक्रास. यू डिवाइन फेमिनिन, यू होल्ड 5D टाइमलाइन, यू ऑलवेज रिजेक्ट पावर, यू ऑलवेज रिजेक्ट मैनेजमेंट. क्यों? अब ये तो सोसाइटी प्रोग्रामिंग के कारण से, ठीक है. बट यू बिलीव इन लव, यू बिलीव इन वननेस, यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है. सो यू रेजिस्ट बीइंग ग्राउंडिंग एंड यू आर नॉट स्ट्रांग. यू रेजिस्ट बीइंग पावरफुल, यू रिजेक्ट बी टू बिलीव इन मैनेजमेंट. यू फील योर सेल्फ वीक, यू रिजेक्ट बीइंग स्ट्रांग, ठीक है. इस प्रकार से आप स्ट्रांग होना, पावरफुल होना, जिस प्रकार से डीएम्स होते हैं वैसा होना आप रिजेक्ट करते हो, बिकॉज सोसाइटी प्रोग्रामिंग ही आपकी इस प्रकार से हुई है. यू लव टू डिपेंड अपॉन को डिपेंडेंसी. आपको सिखाया गया है कि वी हैव टू को डिपेंडेंट ऑन मैन और आउटसाइड. आपकी कंडीशनिंग ही कुछ इस प्रकार से हुई है. सी, डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली में वीक नहीं होती है. आई नॉट टेलिंग कि डीएम्स आर वीक, दे आर नॉट स्ट्रांग. आप एक्चुअली में वीक नहीं हो, बट आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, आपकी फॉल्स कंडीशनिंग हुई है, ऐसी ही हुई है, सो यू आर वीक. डीएम्स की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, सो दे प्रिफर टू बी स्ट्रांग, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग लाइक दिस, एंड बीइंग ग्राउंडेड. उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है. उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, सर्वाइवल है, ठीक है. उनकी प्रायोरिटीज ही अलग होती हैं. तो ये जो प्रायोरिटीज आपकी और उनकी अलग अलग होती हैं, ये भी हमारी फॉल्स कंडीशनिंग के कारण से है, राइट. यू बिलीव इन कर्मास, सॉरी, डीएस बिलीव इन कर्मास, वननेस, लव, स्पिरिचुअलिटी. दे बिलीव इन 3D मटेरियल थिंग्स. लाइक अब कहाँ फेलियर हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो लोग लौट के नहीं आ रहे हैं, कहाँ आप स्ट्रक हो रहे हो? सिंपल सी एक कैलकुलेशन है कि इफ यू बिकम वीक, डीएम विल फील फियर. क्या होता है आपकी जर्नी में जब आप
का बबल फेज होता है और आपको ये लगने लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ गया है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी और इसी ने मेरे उस अधूरेपन को पूरा किया है और नाउ यू हैव बटरफ्लाइज ऑन योर स्टमक एंड यू आर जस्ट फ्लाइंग इन द स्काई, यू आर फीलिंग द ऑल रोमांस ऑफ द बॉलीवुड मूवीज़ एंड बहुत अच्छी ज़िंदगी जब लगने लगती है तो यू फील, यू स्टार्ट ऑपरेटिंग विद फियर कि मैं कहीं इसको अब खो ना दूँ, राइट? और जब आपके अंदर ये फियर आता है, ये जब आप वीक पड़ जाते हो, जब आप वीक पड़ जाते हो, आपकी इस इंटेंसिटी से वो फियर के एनर्जी में ऑपरेट करने लगते हैं, वो आपकी इस इंटेंसिटी को बेयर नहीं कर पाते हैं. इफ़ यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर सेल्फ अनकॉन्शियसली दे विल रिजेक्ट यू. बिलीव मी, अगर आप उस बबल फेज पे जो लोग कंट्रोल कर जाते हैं उनका सेपरेशन एज सच नहीं होता है क्योंकि दे आर अनकॉन्शियसली बैलेंस. बहुत सी डिवाइन फेमिनेंस ऐसी भी आई हैं जो शॉक करती है कि मेरा तो सेपरेशन हुआ ही नहीं है, वाई लाइक दिस, क्योंकि अनकॉन्शियसली उन्होंने अपने इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करके रखा था जिसके कारण से उनके डीएम ने उनको रिजेक्ट नहीं किया. अगर उस टाइम पे उस बबल फेस में अगर आप फियर की एनर्जी से क्या इनसिक्योरिटी की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते हो तो वो भी आपसे फियर, आपकी इस इंटेंसिटी से फियर होके नहीं भागते. अगर आप उस वक्त कंट्रोल कर लेते या आज आप कंट्रोल कर लेते हो तो अनकॉन्शियसली वो भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे. बट इफ़ यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर सेल्फ दे विल अनकॉन्शियसली रिजेक्ट यू. तो जो कुछ भी व्यवहार वो आपके साथ कर रहे हैं दे आर डूइंग अनकॉन्शियसली, सो यू कांट कर्स देम, यू कांट ब्लेम देम. लिटरली यू आर ब्लेस्ड, देन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड योर पर्सन इज योर गिफ्ट, लिटरली. So I was saying earlier कि you are responsible for the pain of your person. You are responsible. क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को control नहीं कर पा रहे हो इसलिए unconsciously वो आपको reject कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आप खुद weak हो रहे हो इसलिए वो आपको मतलब fear में आके वो आपसे भाग रहे हैं, ठीक है? So यही कहते हैं ना, जैसे वो इक्वेशंस होती हैं केमिस्ट्री में, राइट? सो डीएम रिजेक्ट द फेमिनिन एस्पेक्ट विद इन हिमसेल्फ व्हेन यू आर रिजेक्टिंग द मैस्कुलिन एस्पेक्ट इन योरसेल्फ. ये इक्वेशन है. कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के मैस्कुलिन एस्पेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर के फेमिनिन एस्पेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है. तो अब ये बताइए कि आपके पर्सन की क्या गलती है? व्हाई वी आर कर्सिंग देम, व्हाई वी आर ब्लेमिंग हिम कि तुम हमको छोड़ के भाग गए. If you want your DM to embrace feminine aspect, you have to embrace the masculine aspect within yourself. बस यही हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फेलियर. आई एम अगेन रिपीटिंग माई पॉइंट. इफ यू वॉन्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन एम्ब्रेस फेमिनिन एस्पेक्ट, यू हैव टू एम्ब्रेस द मैस्कुलिन एस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ. कैसे किया जाए, क्या किया जाए? सो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, बी स्ट्रांग, ठीक है? ये आपकी पर्सनल जर्नी नहीं है. यू डोंट हैव ऑप्शन कि आप आज मैं तो मैम आई एम गोइंग टू गिव अप दिस जर्नी. जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू गिव अप दिस जर्नी, मैं मूव ऑन कर रही हूँ. पर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो. क्यों? बिकॉज ये आपकी पर्सनल जर्नी है ही नहीं. ये डिवाइन की दी हुई जर्नी है या डिवाइन की मर्जी चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी. यू कांट गिव अप. सेकेंड थिंग, यू शुड हैव 100% ऑथेंटिसिटी. हम कहते हैं, बोलने में क्या जा रहा है, बी ऑथेंटिक, यस आई एम ऑथेंटिक, पर आस्क योरसेल्फ आर यू रियली ऑथेंटिक. हम कहते हैं कि हम सेल्फ लव करते हैं. आस्क योरसेल्फ आर यू रियली डूइंग सेल्फ लव टू योरसेल्फ, एंड इफ यस यू आर डूइंग, व्हाई यू ऑब्सेस फॉर योर पर्सन, व्हाई यू वांट हिम. हम कहते हैं कि हम अपने कर्मा पे, दिस जर्नी इज कर्मा क्लियरिंग, ठीक है? कर्मा क्लियरिंग की जर्नी है, आपको कर्मा क्लियर करना है.
तो हम लोग नए कर्मा क्यों क्रिएट करते हैं, किसी को जज करके, किसी को कर्स करके, किसी को बुरा बोल के? आप आर यू रियली अवेयर कि हम अपने कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं? दिस इज द जर्नी ऑफ कर्मा क्लियरिंग एंड कर्मा क्रिएटिंग. सिर्फ कर्मा क्लियर नहीं करना है, कर्मा क्रिएट भी नहीं करना है, या पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करने हैं. तो आर यू रियली हैविंग अ चेक ऑन योर कर्मा? प्लीज एवरीवन, ऑल ऑफ यू जो सुन रहे हैं, आज खुद से पूछिए बात कि क्या हम अपने कर्मा पे चेक रखे हैं? आर वी रियली क्लियरिंग अवर कर्मा? आर वी रियली क्रिएटिंग अवर कर्मा और नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव? डू यू हैव चेक ऑन योर कर्मास? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सुनने में बहुत ईजी लगता है, येस मैम आई विल बी ऑथेंटिक, येस मैम आई विल डू सेल्फ लव, येस मैम आई विल टेक केयर ऑफ माई कर्मास. बट आस्क योर सेल्फ, आर यू रियली डूइंग? नो वेटिंग. वेटिंग नहीं करना है. एंड यू हैव टू वेट, सॉरी, यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, क्योंकि जो भी होना है डिवाइन की मर्जी से होना है. एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर द ट्विन जर्नी, राइट? एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर योर पर्सन. Pay gratitude for being having everything in your life. हर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ के लिए gratitude pay करना है. और society में भी 3D में रहते हुए, sorry 5D में रहते हुए, 3D में अपने आप अपना existence बनाना है. That is the masculine aspect. हम ये गेम है कि हम सिर्फ divine feminines, we believe in love, oneness, spirituality, तो हम लोगों को society से कोई मतलब ही नहीं है. No. इट इज़ नॉट लाइक दिस. हमको 5D में रहते हुए, ठीक है, येस वी आर ऑपरेटिंग विद 5D टाइम लाइन, वी हैव टू मेक अवर ऑनेस्ट एग्जिस्टेंस इन द 3rd डायमेंशनल सोसाइटी विद एवरी वन. दोस्तों मैं अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और जो अदर फेल्योर्स हैं मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगी. तब तक इन बातों पे गौर करिए, ध्यान दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने इक्वेशन बताई है, ये इक्वेशन ही सार है इस जर्नी की, रियूनियन का, राइट? सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माय एवरी नेक्स्ट अपडेट्स. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहिए.